आप बेफिक्र रहिए, मनीष बाहर आ जाएगा, मनीष बाहर आएगा और निकलेगा। मनीष कैसे बिहार आ जाते हैं, कोर्ट में पेशी भी हो जाती है, तो उनके आगे क्या होगा? फिर वापस जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे नेचुरली। मनीष कश्यप 26 को बिहार आ रहे हैं, क्या बात सही है? मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट ने फिजिकल अपीयरेंस का डायरेक्शन दिया है, लेकिन मुश्किल ये हो रहा है कि मनीष को बेतिया में प्रोड्यूस करने के लिए जितनी पुलिस बल की आवश्यकता है, उतना पुलिस बल वहां पर है नहीं। और राज्य सरकार से मांग की गई है कि तकरीबन 600 पुलिस की वहां, लगभग 600 पुलिस की तैनाती वहां की जाए। अच्छा, तो मनीष को लाया जा सकता है। जज साहब जो आदेश दिए हैं कि मनीष कश्यप को फिजिकली यहां पे लाया जाए, तो फिर उसका क्या होगा? देखिए, आदेश न्यायालय का है तो पुलिस बल को फिर वहां पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस के लिए ये 3 बार बोला चुका है, 4थी बार है, तो लाना ही पड़ेगा। तो 26 को क्या होगा ये बड़ा कहना मुश्किल है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। 600 पुलिस बल बहुत ज्यादा होता है, मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े जो मंत्री आते हैं उनके लिए भी 600 का जो पुलिस बल होता है तैनात नहीं किया जाता है। मनीष कश्यप के लिए इतना डर क्यों? तो आपको लगता नहीं कि मनीष कश्यप का जो गुनाह है, जिस तरह से उस गुनाह को पेश किया गया है, वो एक आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया गया है। एक निशांत वर्मा करके कोई है गुजरात के, वो जो केस किए हुए हैं, आप उस केस को पढ़िए, 700 पेज का चार्जशीट सबमिट किया गया मनीष के लिए। गुनाह क्या था इसका? क्योंकि वो गरीबों की आवाज को उठा रहा था। अभी हमारे तेजस्वी जी गुजरात में क्या बोल के आए हैं, सारे गुजरातियों को चुना लाया, मैंने गाड़ी देकर वहां से आए हैं, नेता वो भी है, केस कर दीजिए उन पर। फिर प्रधानमंत्री को सबों ने कहा चौकीदार चोर है, केस कर दीजिए उन पर। फिर आप तो नेता है, और अगर कोई इस तरह की बयान आती है तो उस पर ये उसको NSA लगा देना और DM का ये जो पावर का मिसयूज करना थोड़ा सा गलत हो रहा है। आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र में बिहारियों को चुन चुन के मारा गया, बिहारी यूपी वालों को, कितना केस हुआ था बिहारियों पर? कोई केस नहीं हुआ था। इसके पहले गुजरात में मजदूरों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, कहाँ केस हुआ था उसमें? अभी आप देखिए मणिपुर मेघालय में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हुआ चुनाव के बाद। तो मनीष के हर गुनाह को, उसके हर चीज़ का वीडियो मेरे पास आ गया है, चार्जशीट भी आ चुका है, पुलिस का जो रिपोर्ट है वो भी आ चुका है, FIR भी मेरे पास आ चुका है। आप बेफिक्र रहें, मनीष जेल से बाहर आएंगे। अब कितना जल्दी आएंगे ये हम डिक्लेयर नहीं करेंगे अभी, अभी तो हम लोग केस फाइल कर रहे हैं, बेल फाइल कर रहे हैं, हाईकोर्ट में हम लोग रीट फाइल करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं अभी, तो कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन मनीष सकुशल बाहर निकल जाएंगे। मनीष कश्यप को लेकर सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मनीष कश्यप बिहार आ रहे हैं, 26 को बिहार आ रहे हैं, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। देखिए इसी खबर को लेकर अभी हम बिहार के सबसे बड़े वकील SK मिश्रा सर के पास आए हुए हैं। सर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को। मनीष कश्यप 26 को बिहार आ रहे हैं, क्या बात सही है? मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट ने फिजिकल अपीयरेंस का डायरेक्शन दिया है, लेकिन मुश्किल ये हो रहा है कि मनीष को बेतिया में प्रोड्यूस करने के लिए जितनी पुलिस बल की आवश्यकता है, उतना पुलिस बल वहां पर है नहीं। अच्छा। और राज्य सरकार से मांग की गई है कि तकरीबन 600 पुलिस की वहां, लगभग 600 पुलिस की तैनाती वहां की जाए। अच्छा। तो मनीष को लाया जा सकता है। और इसके पहले 3 बार और उनका अपीयरेंस का वहां सर्कुलर हो चुका है, लेकिन अपीयर नहीं हो सका क्योंकि फोर्स की व्यवस्था है नहीं वहां पर। लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मनीष के फॉलोअर्स काफी हैं, और जब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मदुरई के जेल में मुझे जो फीडबैक मिला, कल मनीष का भाई आया था, मिला हमसे, और उसके जितने लोग थे मिले हमसे, वो जो वकालतनामा लेके वहाँ से आया था मदुरई से यहाँ केस फाइल करने के लिए, तो बता रहा था कि वो राजस्थान से पैदल एक सज्जन एक तख्ती पे मनीष कश्यप का जिंदाबाद का नारा लेके पहुंच गए वहाँ जेल में मदुरई। राजस्थान से इस गर्मी में पैदल पहुंचा मदुरई, और जब वहाँ पाया गया कि गोवा से भी कुछ लोग पैदल आए थे मनीष को देखने, मिलने के लिए। अब सोचने की बात है कि पूरा जेल प्रशासन वहां परेशान है कि भाई आखिर ये है कौन, इससे मिलने वाले लोग प्रजा साहब नहीं रोज बाहर खड़े रहते हैं, हालांकि मिल नहीं पाते हैं लोग, लेकिन वो चूंकि जेल मैनुअल है वहां तो समय पर मिलना होता है, कि इतने लोग मिलने वाले आ रहे हैं, है कौन आखिर, तो परेशान है वो। तो जब मनीष अपने होम स्टेट में आ जाएगा और होम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे वहां कोर्ट में, अगर सोचिए वहां क्या हंगामा खड़ा होगा। तो ये सब देखते हुए जिला प्रशासन जो है वो अगर पुलिस बल की तैनाती कर लेती है तो मनीष को पेश किया जाएगा, अदरवाइज फिर पहले की तरह नहीं आएंगे वो। जो बेतिया प्रशासन है वो, उन्होंने कहा है कि जब तक हमें पर्याप्त फोर्स नहीं मिलेगा तब तक इस चीज़ को हम ऑर्डर नहीं देंगे, चाहे हम लोग सहमति नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो वहाँ व्यवस्था है वो तो करनी ही पड़ेगी उनको उसके लिए। कोर्ट आदेश दी है, जज साहब जो आदेश दिए हैं कि मनीष कश्यप को फिजिकली यहाँ पे लाया जाए, जो पुराना कोई मामला है उसको लेकर लाया जाए यहाँ पे, फिर उसका क्या होगा? देखिए आदेश न्यायालय का है तो पुलिस बल को फिर वहाँ पहुँचाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस के लिए ये 3 बार बोला जा चुका है, 4थी बार है, तो लाना ही पड़ेगा उनको। लेकिन उस लाने के पीछे जो प्रक्रिया हो रही है, पुलिस का भी अपना यह है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो क्या जज साहब इस बात की जिम्मेवारी लेंगे
तो जज साहब कहीं ना कहीं डायरेक्शन देंगे वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आप उसको मैनेज कीजिए। तो 26 को क्या होगा ये बड़ा कहना मुश्किल है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वहाँ ठीक हो जा रही है सुचारू रूप से तो मनीष को लाया जाएगा। आपने कहा सर कि 600 पुलिस बल बहुत ज़्यादा होता है, मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े जो मंत्री आते हैं उनके लिए भी 600 का जो पुलिस बल होता है तैनात नहीं किया जाता है, मनीष कश्यप के लिए इतना डर क्यों? तो आपको लगता नहीं कि मनीष कश्यप का जो गुनाह है, जिस तरह से उस गुनाह को पेश किया गया है वो एक आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया गया है। लगा, एक निशांत वर्मा करके कोई है गुजरात के, वो जो केस किए हुए हैं आप उस केस को पढ़िए, 700 पेज का चार्जशीट सबमिट किया गया है मनीष के लिए। गुनाह क्या था इसका? चूंकि वो गरीबों की आवाज़ को उठा रहा था, सरकार के खिलाफ बोलना ये संगीन अपराध हो सकता है सरकार की नज़र में, लेकिन हमारे पास एक स्पीच की लिबर्टी भी है, संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, गाली देने की आज़ादी नहीं दी है हमको, लेकिन बोलने की आज़ादी दी है, धमकी की आज़ादी नहीं दिया गया हमको, हम तो बोल सकते हैं अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए किसी को आतंकवादी डिक्लेयर कर देना और उसको इस तरह से टॉर्चर करना जेल के अंदर में, टॉर्चर वर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि जो फीडबैक हमको मिला वो टॉर्चर ही एक तरह का है, टॉर्चर ही था बिल्कुल। और अभी भी वहाँ जिस तरह से एक अहिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है और जेल के अंदर कोई पढ़े लिखे आदमी होंगे नहीं, वहाँ की भाषा तमिल है, तमिल इसको आती नहीं है, हिंदी वो समझते नहीं है, तो कन्वर्सेशन तो हो नहीं पाएगा इन लोगों के बीच में। वहाँ कोई पूरे जेल में कोई हिंदी नहीं बोलता है, अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे वो लोग, तो मनीष के पास कम्युनिकेशन का दो ही चीज़ है, या तो हिंदी बोले या फिर इंग्लिश बोले, हिंदी वो समझते नहीं, अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे वो, तो बड़ा मुश्किल है कम्युनिकेशन का। तो ये बंदा दिन भर चुप बैठा रहता है, खाने का भी प्रॉब्लम है चूँकि भात और सांभर वहाँ मिल रहा है खाने के लिए उसको, तो नेचुरली जेल जेल ही होता है, लेकिन फिर भी इस तरह से एक छोटे से चीज़ के लिए इससे बड़ा बड़ा गुनाह तो लोग करके मंत्री लोग बैठे हुए हैं, कोई FIR नहीं होता है, सत्ता में बैठे हुए, 1000 करोड़ का गबन हो चुका है, नॉमिनल ऑफेंस कहाँ था वहाँ पर। तो ये सब न्यायालय की चीज़ें होती है जो न्यायालय में हम लोग रखेंगे इस चीज़ को। फिलहाल मनीष को 26 तारीख को आना है बेतिया में और अभी तक का डायरेक्शन ये कि उसको आना है फिजिकली, उसको अपील करवाना है। अगर मनीष का सब बिहार आ जाते हैं, कोर्ट में पेशी भी हो जाती है, तो उनके आगे क्या होगा? फिर वापस जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे नेचुरली। भाई ये पुलिस रिमांड पे इनको ले जाया गया है, चूँकि 6 केस वहाँ पर दर्ज किया गया है भदरोही में भी, अभी उन 6 का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, अच्छा। तो वो जब तक इन्वेस्टिगेशन वहाँ खत्म नहीं हो जाता है वो सरकार यहाँ भेजेगी नहीं इनको। सर 2024 का चुनाव आने वाला है और लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि इनको 24 तक को रखा ही जाए कैसे भी करके, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम न्यायालय की बात कर सकते हैं, लोगों की बात नहीं कर पाएंगे, लोग चर्चा चल रही है सर, कमेंट में ये हमारा न्यायालय प्रेजम्पशन पे नहीं चलता है, ये होगा इसलिए सजा, जैसे हम मर्डर करने वाले हैं पनिशमेंट को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चुनाव अपने समय पर है, हाँ ये एक प्रिवेंशन है कि अगर मनीष बाहर होते तो शायद वो उसको इफेक्ट करते, करेंगे ऐसा तय नहीं है, शायद करते, जैसा कि उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि मैं 23 सरकार को गिरा दूंगा या मैं सरकार गिरा दूंगा, जो भी वीडियो वायरल हो रहा था वो, तो ये कहने की अलग बात होती है, कहने को तो आप भी कुछ कहते हैं कि हम भाई गोली मार देंगे उसको, ये कर देंगे, मारते थोड़ी है वो, ये कहने की बात, न्यायालय इन चीज़ों का कोई तवज्जो नहीं देता है। न्यायालय का कार्य करने की अपना अलग शैली है और लोगों का एजम्पशन प्रेजम्पशन का अलग शैली होता है। मनीष कश्यप का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, 6 सुनवाई हुआ, वहाँ पे कुछ क्लियर निकल के नहीं आया, बाद में उनको बोला गया कि आप मदुरई जाइए, तमिलनाडु जाइए, वहाँ से फिर आइए। अब क्या होगा उनका मदुरई कोर्ट में, कब दाखिल खारिज होगा, कब सुनवाई होगा, और सबसे बड़ी बात है कि कब बाहर आएंगे? देखिए मनीष कश्यप या कोई भी व्यक्ति अगर हो, अगर वो पुलिस गिरफ्त में आ जाता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाएगा तो न्यायालय भी कहीं ना कहीं एक रखता है वो पुलिस साथ में हमदर्दी कि भाई जांच चल रही है तो न्यायालय उसमें टेम्पर नहीं कर सकता, उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन न्यायालय का कोई रोल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जल्दी करने का वो डायरेक्शन दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके पर कोई अख्तियार किसी न्यायालय का नहीं होता है। तो पुलिस जो वहाँ 6 केस दर्ज किया गया है मदुरई में या चेन्नई में, उस पर जाँच चल रही है और उनके पास यही प्ली है कि जब तक जाँच पूरा नहीं हो जाएगा तब तक न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि हमको रिमांड कंटिन्यू किया जाए। आपसे एक सवाल है, कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये पत्रकार नहीं है, ये नेता है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा चली थी, आप वकील हैं, बिहार के सबसे बड़े वकील हैं, आप इस केस को या मनीष कश्यप किस रूप में देख रहे हैं, वो पत्रकार हैं या सच में वो नेता हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए चुनाव लड़ने से कोई नेता बन जाए अगर तो बहुत दुख लगता है, चुनाव मुखिया से लेकर प्रेसिडेंट तक चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, सब तो नेता नहीं होते हैं, आपके पीछे कितने फॉलोअर्स हैं। कपिल सिब्बल ने उनके जो फॉलोअर्स हैं उसको, जो व्यूअर्स हैं उसको देख के नेता डिक्लेयर कर दिया था वहाँ पर, लेकिन मनीष कश्यप का संबंध किसी पार्टी से नहीं है, वो नहीं किसी पार्टी में है, न कोई चुनाव निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़े हो तो आप भी लड़ सकते हैं, तो नेता थोड़ी हो गया आप उसमें,
किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना मनीष कश्यप हैं, ना इनकी अपनी कोई पार्टी है और ना किसी पार्टी को ज्वाइन करने का इन्होंने आज तक कोई अपना इरादा जाहिर किया है। तो इसलिए ये कहना कि वो नेता हैं थोड़ा गलत था कपिल सिब्बल के लिए। और नेता अगर हैं तो राजीव गांधी भी तो नेता है, सॉरी राहुल गांधी भी तो नेता है, एक से एक बयान देते रहते हैं। अभी हमारे तेजस्वी जी गुजरात में क्या बोल के आए हैं, सारे गुजरातियों को चुनाव लगाया, मैंने गाड़ी देकर वहाँ से आए हैं, नेता वो भी है, केस कर दीजिए उन पर। फिर प्रधानमंत्री को सबों ने कहा चौकीदार चोर है, केस कर दीजिए उन पर। फिर आप तो नेता हैं और अगर कोई इस तरह की बयान आती है तो उस पर ये उसको NSA लगा देना और DM का ये जो पावर का मिसयूज करना थोड़ा सा गलत हो रहा है। NSA पे ही आ रहे हैं, मनीष कश्यप पे जो NSA लगा है वो कितना मजबूत है? NSA मजबूत कमजोर नहीं होता है, एक्ट एक्ट होता है, उसमें जो दी गई है बातें कही गई है बिल्कुल वो साक्ष्य पेश करेंगे, जो जिला न्यायाधीश वहाँ पर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पर है, वो मनीष कश्यप पे साक्ष्य पेश करेंगे। चूंकि हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में देखा और दिया वो ये था कि जो भी न्यूज मनीष कश्यप ने वायरल किया था या जो आरोप था वो पहले जी न्यूज दिखा चुका था, दैनिक भास्कर में आ चुका था, वो उसी को ये दिखाया गया था। प्लस जो भी एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ वो कोई बैंडेज वैंडेज लगा के कोई उसका दिखाया गया था कि ये फर्जी फेक है, जांच चल रही है उसकी, तो उस जांच के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन उसके अलावा जो भी कुछ ऐसा था कि इकोनॉमिकल ऑफेंस पे रेड कर दिया और 42 लाख रुपया रखे हुए हैं, तो मनीष ने एडवांस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है 19.5 लाख का, ठीक है। प्लस उसके अपना ऑडिट रिपोर्ट है, इकोनॉमिकल ऑफेंस वाले उस ऑडिट रिपोर्ट को और इनकम टैक्स रिपोर्ट को कंसिडर करेंगे तो खत्म हो जाएगा फिर वो। और कोई ऐसे कोई दंगा नहीं फैला है, मनीष के इस वीडियो वायरल करने से कोई दंगा नहीं फैला है। चूंकि वहाँ ये बताइए हमको, आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र या बिहारियों को चुन चुन के मारा गया, बिहारी यूपी वालों को, कितना केस हुआ था बिहारियों पर? कोई केस नहीं हुआ था। इसके पहले गुजरात में मजदूरों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, कहाँ केस हुआ था उसमें? अभी आप देखिए मणिपुर मेघालय में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हुआ चुनाव के बाद, भाजपा चुनाव का बंगाल में क्या हुआ था, घर जला दिया गया हिंदुओं का, क्या हुआ उसके बाद? तो ये तो रोज यहाँ पर हो रहा है, सांप्रदायिकता जो फैला रहे हैं उन पे कहाँ केस हो रहा है, कहाँ मुकदमा हो रहा है? जो दंगा फैला रहे हैं कहाँ मुकदमा हो रहा है? पकड़ा जाता है, कस्टडी जाता है, फिर उसका बेल होता है, बाहर आता है, फिर वही काम करता है वो। अगर स्ट्रिक्टली वो पुलिस अपना रिपोर्ट सबमिट करती या उनको कस्टडी दिया, दंगा कहीं नहीं होता फिर। मनीष कश्यप केस पे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप पे जो आरोप लगा है वो तो कहीं दिखा ही नहीं, कहीं दंगा नहीं हुआ, कोई कहीं लोग नहीं मरे, इस फिर भी ऐसा आरोप लगा है उन पे, इस पे क्या कहना है? देखिए एक बात समझिए, लोगों के कहने पर न्याय नहीं चलता है, न्यायालय की जांच करने की अपनी अलग शैली है, पुलिस जांच अपनी शैली में करता है। अगर आपकी व्यक्तिगत राय जानना हो तो आप क्या रखेंगे इसमें? नहीं, हम व्यक्तिगत राय, चूंकि मनीष के एडवोकेट हैं हम और मनीष का वकालतनामा मेरे पास में है, इसलिए कोई व्यक्तिगत राय नहीं दे पाएंगे हम, खुलेआम चैनल पे कोई व्यक्तिगत राय नहीं दे पाएंगे। हाँ, इतना आपके पास मनीष कश्यप का केस, डिफेंस लॉयर है और मनीष को हम डिफेंस की तरफ से लड़ रहे हैं उसका केस, तो हम ये नहीं कह सकते कि मनीष गुनाहगार है, बेकसूर है, तो हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे। अगर मेरा क्लाइंट मर्डर भी कर देगा तो बतौर डिफेंस लॉयर हमको तो कोर्ट में ये प्रूफ करना है कि मर्डर कभी किया ही नहीं, वो जानता ही नहीं मर्डर क्या होता है। तो मनीष के हर गुनाह को, उसके हर चीज़ का वीडियो मेरे पास आ गया है, चार्जशीट भी आ चुका है, पुलिस का जो रिपोर्ट है वो भी आ चुका है, FIR ही मेरे पास आ चुका है, अभी उसमें हम लोग उसके देख रहे हैं। आपने कहा कि मनीष कश्यप केस आपके पास आ गया है और आप डिफेंस में हैं, कितनी तैयारी है आपकी? कभी कोई ऐसा हो तो जो परीक्षा देने गया हो कहेगा हम फेल कर जाएंगे? सब कहते हैं कि नहीं परीक्षा अच्छा गया और हम पास ही कर जाएंगे, तो हम ये कैसे कहते हैं कि मनीष केस में हम कमजोर पड़ रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा, मनीष बाहर आएगा और निकलेगा। कब निकलेगा? अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो कोर्ट का हम लोग का प्रोसीजर है वो स्टेप वाइज होता है, अचानक ऐसा नहीं कोर्ट में जाएगा छोड़ दीजिए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है ना वो, ऐसा मोदी जी भी नहीं कर पाएंगे। तो अपना एक प्रोसीजर है, उसके तहत मनीष को बाहर निकाल लेंगे हम लोग, आप बेफिक्र रहिए मनीष बाहर आ जाएगा। फैंस के लिए कुछ बोल दीजिए, लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, कमेंट में कमेंट करें मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप CM बनेंगे, ऐसे ऐसे बोल, हम उस सब तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ जितने व्यूअर्स मनीष कश्यप को फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं, आप बेफिक्र रहें, मनीष जेल से बाहर आएंगे। अब कितना जल्दी आएंगे ये हम डिक्लेयर नहीं करेंगे अभी, अभी तो हम लोग केस फाइल कर रहे हैं, बेल फाइल कर रहे हैं, हाईकोर्ट में हम लोग रीट फाइल करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं अभी, तो कुछ वक्त तो लगेगा लेकिन मनीष सकुशल बाहर निकल जाएंगे। मनीष कश्यप के वकील हैं SK मिश्रा सर, जिन्होंने अपनी बात रखी, बेतिया में उनको शामिल हाजिर होना है उनको लेकर भी इन्होंने बात रखा, असमंजस जो बना हुआ है उसको लेकर भी इन्होंने बात रखी। क्या सोचते हैं आप, कमेंट जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।